रास्ता देखिए कितना खतरनाक रास्ता है, बिल्कुल यहाँ से नीचे लोगों के घर हैं। तो हम लोग फिर से रुक गए हैं और कुछ अच्छे लगे स्कूटी लेके आ गए। और यहाँ देखिए बिल्कुल रास्ता इतना खतरनाक रास्ता है, करौली बाबा धारकोट हम आए हैं। पूरा धारकोट गांव है जहाँ टॉप पे आए हैं। यहाँ से पूरा देहरादून दिख रहा है और देहरादून से अंदर। तो ये रही हमारी माजा की बोतल और ये रहा चिप्स का पैकेट। और सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है सरोज और स्वागत करती हूँ आपका मेरा यूट्यूब चैनल सरोज ढंडियाल ब्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम से। और अभी मैं पूजा, दोनों पूजा जा रहे हैं घूमने के लिए। इससे पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम गए थे थाम रोड वहाँ ढंडियाली, जहाँ पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी कल्चर दिखा रखा है उन लोगों ने। तो आज जा रहे हैं हम कहीं और, कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी ये दोनों हो रहे हैं तैयार और मैं तो हो गई हूँ तैयार और आप जाते हैं। लेकिन बारिश का मौसम भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मौसम हो रखा है बारिश वाला। लेकिन अभी तो थोड़ी हल्की हल्की धूप है, लेकिन आ सकती है बारिश। देखिए देखते हैं बारिश आती है क्या होता है। और यह है पूजा, यह है इसकी स्कूटी। तो पूजा से पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पता है नहीं और पूजा ले जा रही है हमें आज। तो पूजा हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ये? तो यह है, यह भी थानो रोड पर है लेकिन कहाँ है हमें पता नहीं है। तो अभी देखते हैं, अब पूजा ला रही है स्कूटी। तो इस साइड देखिए अभी धान लग रखे हैं यहाँ, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ। और यहाँ से हम इतनी टॉप पे आए हैं, यहाँ से पूरा देहरादून दिख रहा है और देहरादून से अंदर जो गांव वाला इलाका है वो भी दिख रहा है, पूरा थाना दिख रहा है यहाँ से। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितना टॉप पे आए हैं हम। और यहाँ भी बारिश का मौसम हो रखा है, वो पीछे देखिए कोहरा लग चुका है, लेकिन बारिश ना आ जाए बस यही है। और तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का पूरा व्यू। से दिख रहा है पूरा देहरादून, वो जो उधर की साइड है रोड से उधर वो है देहरादून, और इधर के साइड जो गांव वाला इलाका है ये है थानो। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। और यहाँ पे इन दोनों का चल रहा है फोटो शूट, ये देख। तो आप लोगों को ना एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ पे ना ये एक बोर्ड लगा है लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन सा वाला है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मंदिर नीम करौली बाबा धारकोट। हम आए हैं पूरा धारकोट गाँव है जहाँ। तो यहाँ से सीधा ऊपर जाने पे मिलेगा हमें एक मंदिर, वहाँ है नीम बाबा नीम करौली जी। लेकिन एक नीम करौली बाबा मंदिर है नैनीताल में और एक है यहाँ, ये देखिए। तो जो ये वाला इलाका है ये है पूरा पहाड़ी इलाका और यहाँ ना बहुत कम गाड़ियाँ आती है। देखिए पूरा रोड खाली है, यहाँ गाड़ी वाड़ी बहुत कम चलती है। और इससे भी ऊपर है गाँव जो मैं आपको दिखाऊँगी अभी। और इससे नीचे देखिए हम कितने टॉप पर आए हैं, ये बहुत ऊपर आए हैं देखिए नीचे। तो यहाँ से तो मुझे देखने में भी डर लग रहा है।
खींच ली है। और ये देखिए ये दोनों पूजा, अब देखते हैं कौन चलाता है स्कूटी। पहले पूजा ने चलाई, फिर दूसरी पूजा ने चलाई, अब देखते हैं कौन चलाता है स्कूटी। क्योंकि ये है पहाड़ी इलाका और मुझे तो आता नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ स्कूटी। तो ये दोनों चला रहे हैं स्कूटी, अब चलाएगी पूजा। तो चलिए हम बैठते हैं अब स्कूटी पे, तो हम चले गए, मिलते हैं आपको सीधा ऊपर। यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे बोर्ड लगा है धारकोट और आगे है, और इधर के लिए जो रोड जाती है ये है तलाई के लिए, और बाकी नीचे के लिए है थानो। तो मैं और पूजा रुक गए हैं क्योंकि ये वाली रोड है बहुत खराब रोड है, और स्कूटी में तीन जाएंगे तो गिरने का डर हो सकता है। बिल्कुल पत्थर ही पत्थर हो रखे है ये देखिए, और इसमें तीन नहीं जा सकते क्योंकि ये पहाड़ों के इलाके है, तो थोड़ा डर भी लगता है। और पूजा चली गई है थोड़ा आगे, बाकी हम जा रहे हैं पीछे पैदल, देखते हैं कहाँ तक है ये पत्थर वाला रास्ता। इससे पूछना क्या है कि पत्थर वाले रास्ते पर डर लगता है। वाला रास्ता देखिए कितना खतरनाक रास्ता है, बिल्कुल यहाँ से नीचे लोग के घर हैं, तो गांव जाने गांव में ना ऐसे रास्ते होते हैं। तो अब आ गई है अच्छे वाले रोड, और यहाँ से देखिए यहाँ पे है चढ़ाई, यहाँ से भी है एक रास्ता ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पैदल वाला रास्ता है, हम जा रहे हैं गाड़ी में। तो पत्थर वाला रास्ता हो चुका है ख़त्म। अच्छा आगे भी है वैसे रास्ता, आगे भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब क्या करें इतना पैदल नहीं चला जाता। तो हम लोग फिर से रुक गए हैं और पूरा चले गए स्कूटी लेके आगे, और यहाँ देखिए बिल्कुल रास्ता इतना खतरनाक रास्ता है। दर्द हो गया, एक तो ना बारिश की वजह से रोड खराब हो रही है इसलिए भी हो रखा है ये रास्ता ऐसा, लेकिन हम पहली बार आए हैं, क्या पता ये पहले से ऐसी हो, हमें पता नहीं है, पहले से नहीं है। और आगे देखिए कितना घना हो रहा है, हम आ गए और टॉप पे, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो वहाँ देखिए इतना मौसम इतना खराब हो रखा है, और वो कोहरा भी लग चुका है पूरा, यहाँ से देखिए। और यहाँ से नीचे देखती हूँ क्या है, यहाँ से नीचे भी देखती हूँ, खाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए कितना खतरनाक वाला रास्ता है, गांव है दूर दूर, और ऊपर लग रखा है कोहरा। तो ये देखिए यहाँ हम पहुँच चुके हैं फाइनली, तो हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, ऊपर मंदिर पे, जिसका नाम है नीम करौली बाबा, और वहाँ पे मंदिर है, अभी पता नहीं किस चीज़ का मंदिर है, देखाते हैं। पूजा चली गई स्कूटी लेके ऊपर, और यहाँ पे ना पूरी चढ़ाई है इसलिए स्कूटी में हम नहीं जा सकते। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, और बहुत सुकून मिल रहा है। एक तो ऊपर पहाड़ी पे है, और ऊपर से है कि मंदिर के दर्शन भी हो गए, हमें नहीं था पता कि यहाँ मंदिर है, इसलिए हमें लगा था हम ऐसे ऊपर जा रहे थे यहीं पे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ मंदिर के दर्शन हो गए भगवान जी के, और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे, मन की शांति मिल गई है। तो हम आ गए हैं बहुत ज़्यादा नीचे, और यहाँ पे देखिए बारिश का पानी आ रखा है पूरा, अच्छा लग रहा है व्यू, झरने जैसा लग रहा है यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ देखिए पूरे ऊपर से आ रहा है, और ये देखिए बरसात के मौसम में ना बहुत ज़्यादा पानी आता है यहाँ पे, क्योंकि अभी तो कम बारिश हुई है तो कम आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है यहाँ पे। तो हम लाए थे अपने लिए माजा की बोतल और एक चिप्स का पैकेट। तो यहाँ देखिए पूजा खा रही है चिप्स, और अब खाते हैं यहाँ पे चिप्स और माजा, चलते हैं घर की ओर। तो ये रही हमारी माजा की बोतल, और ये रहा चिप्स का पैकेट, और ये है पंजाबी तड़का,
तो आप करते हैं यहाँ पे इंजॉय, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा के साथ और पानी भी है यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। अभी बिल्कुल पहाड़ों का इलाका है, और मुझे, मैं बहुत टाइम के बाद घूमने निकली हूँ, एक पिछले वाले ब्लॉग में निकली थी और एक आज आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे लाए यहाँ, क्योंकि मैं नित्य के साथ निकल नहीं पाती हूँ घर से बाहर, तो आज आई हूँ। तो हम आ चुके हैं थानो के जंगल में, ये देखिए यहाँ भी अच्छा लोकेशन है, और आप जाते हैं यहाँ से सीधा घर, और पूरा घूम लिया आज, इतना अच्छा लगा वहाँ जाके। पूरा पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वहाँ तो जैसे ही नीचे आए वहाँ गर्मी होने लगी, उमस होने लग गई है। ये देखिए आप जाएंगे सीधे घर, और जा उसको तो अच्छा लगेगा, उसी ने तो मंदिर गए तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ऐसे गए। तो इस वीडियो के एंडिंग में यहीं पे करती हूँ, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और मेरी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो मिलती हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, और अपने ख्याल रखें। बाय बाय।